हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। भाई आपको बता रहा हूँ गाइस, होम थिएटर कैसे रिपेयरिंग करें और उसको कैसे टेस्टिंग करें, हमारा आईसी सही है या ख़राब है गाइस। क्योंकि पता तो चल जाता है कि हमारा आईसी एक बुरा पड़ा है, लेकिन उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ गाइस, कैसे चेक करते हैं। वीडियो पूरा देखें गाइस, ताकि आपको अनुभव मिलेगा। देख सकते हो हमारे पास होम थिएटर है गाइस, जो कि 6 इंची का सब ऊपर है। देख सकते हो गाइज, ये मेन वॉल्यूम है, ये बास है और मिक्स का है, यानी कि माइक का है गाइज। ठीक गाइज, देख सकते हो हमारे पास ये होम थिएटर है गाइज। वीडियो बनाने का यही मकसद है, नए नए यूट्यूब पर हो हमारे चैनल पे, तो गाइज सब्सक्राइबर अवश्य करें। गाइज जब भी चलाते हो तो इसको अन्यथा बंद ना करें, अन्यथा इसमें का जो धमक होता है वो साउंड होता है जो सही से निकल नहीं पाता गाइज, इसलिए आप इसको बंद ना करें। देख सकते हो गाइज, स्पीकर 8 इंची 6 इंची का है गाइज, और इसका ट्रांसफार्मर 2.5 से 3 एम्पीयर लगता है, कि 4.2 चैनल का है गाइज। तो देख सकते हो कि इसका गाइज आईसी उड़ा पड़ा है। ये तो मिस्त्री हो तो बता रहा हूँ कि इसका आईसी उड़ा पड़ा है। आप घर पे बनाते हो या घर पे डालते हो तो गाइज बता रहा हूँ। देख सकते हो गाइज, इसकी 5 पिन जो होती है ये स्पीकर का होता है गाइज। देख सकते हो, देख सकते हो जहाँ लगा है 1 2 3 4 5, 5 पिन का आईसी होता है गाइज। 5वां पिन इसका स्पीकर का होता है, और पहला पिन +12 वोल्ट, दूसरा पिन -12 वोल्ट का गाइज होता है। देख सकते हो इस प्लेट की बनावट गाइज, देख सकते हो जो कि बेहतरीन है गाइज। देख सकते हो गाइज, इसमें 6 एम्पियर का डायोड लगा रखा है, 6 एम्पियर का डायोड है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होता गाइज, और इसमें कैपेसिटर भी सही क्वालिटी का लगा रखा है। सबसे इसमें देखने वाली बात है गाइज कि इसका जो हीटसिंग है, हीटसिंग जो इसको बोलते हैं हीटसिंग, ये भी सही लगा रखा है, ताकि आईसी हमारा गर्म होता है तो जल्दी उड़ता नहीं है गाइज। देख सकते हो 4.2 आईसी का, दो गाइज धमक के लिए होता है, क्योंकि 8 इंच का बेस रखा है, दो गाइज इस पर स्पीकर का है, इसीलिए इसको 4.2 बोलते हैं गाइज। देख सकते हो, आपको बता रहा हूँ। अब इसको कैसे चेक करें, हमारा आईसी सही है ख़राब है गाइज, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा बने रहे गाइज, फिर आपको पता चल जाएगा। गाइज देख सकते हो कि अपन 5 नंबर पिन पे हमने डाल रखे हैं, अब इससे तार जोड़ दें गाइज 5 नंबर पिन पे। गाइज एक 5 नंबर पिन पर होता है, एक गाइज अर्थिंग होता है, एक अर्थिंग होता है गाइज। गाइज इसमें लाइट दे के देखते हैं गाइज, इसमें सीरीज में चेक करें, देख सकते हो गाइज इसमें देख सकते हो कि आवाज़ आ रहा है, यानी कि आईसी सही है गाइज। थोड़ी थोड़ी इस पर पेचकस मार देंगे 3 नंबर पिन पे गाइज, देख सकते हो 3 नंबर पिन पे होता है, ये ऑडियो के लिए होता है गाइज, यानी कि हमारा देख सकते हो ये ऑडियो के लिए होता है गाइज, यानी कि हमारा एक तो आईसी गाइज सही है गाइज। देख सकते हो दूसरे पिन पर, ये पहला वाला चेक कर लिए गाइज, और दूसरे वाले पर लगा रखा 5 नंबर पिन पर, क्योंकि 5 नंबर पिन इसके स्पीकर का तार होता है, 3 नंबर पिन इसका ऑडियो का। देख सकते हो गाइज, इसमें बिल्कुल ही कोई भी ऑडियो नहीं है, यानी कि हमारा जो आईसी है गाइज ये ख़राब है। देख सकते हो कोई भी ऑडियो नहीं है गाइज, देख सकते हो स्पीकर पर ध्यान दोगे तो, मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो कोई भी ऑडियो नहीं है, यानी कि हमारा जो आईसी है दोस्तों ये दूसरे नंबर वाली ख़राब है गाइज। देख सकते हो इस तरह जो गाइज चेक करें,
कोई भी डेक हो, कोई भी बुफर हो, इस तरह ऐसे चेक करते हैं गाइस। यानी कि एक हमारा सही है, दूसरे ख़राब है, दो ये दो गाइस बुफर का है, जो बुफर इसका चालू है तो बुफर ऐसे को नहीं छेड़ेंगे गाइस। यानी कि हम ये स्पीकर बदल देंगे, ये ऐसे बदल देंगे तो हमारा जो स्पीकर है चारों चालू हो जाएगा। देख सकते हो चालू करने का सबसे आसान तरीका। तो गाइस पहले हम बिजली को हटा लेंगे, बिजली को हटा लिए गाइस, फिर आप तार को हटा लेंगे और इस पर निशान मार देंगे गाइस कि हमारा दूसरी आईसी ख़राब है, यानी कि हमारा दो नंबर आईसी ख़राब है गाइस। फिर इसको नया डाल देंगे तो हमारा जो बुफर है ओके हो जाएगा गाइस। अब इसका गाइस प्लेट खोल के आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो कि आपने इस प्लेट को खोल दिया गाइस, देख सकते हो खोल दिया प्लेट को। अब इसमें गाइस आईसी आपको पता है कौन सा ख़राब है, ये दो नंबर ख़राब है गाइस, तो हम दो नंबर वाले को बदल देंगे तो हमारा जो स्पीकर है चालू हो जाएगा चारों ही। देख सकते हो पहले गाइस हम इस नट को खोलेंगे, फिर इस आईसी को उखाड़ देंगे गाइस, आयरन के थ्रू इसको बदल देंगे गाइस। इसका पट्टी जो है गाइस खुल गया, इस जगह दो नंबर आईसी है, इसको गाइस यहाँ से पकड़ेंगे, गाइस यहाँ से पकड़ लेंगे और पकड़ के जो आयरन है उसको फेर के और खींच लेंगे तो हमारा जो आईसी है निकल भी जाएगा गाइस और ट्रैक भी नहीं टूटेगा। देख सकते हो दो मिनट में निकल जाएगा, पीछे से बल्ब मारते हो देख सकते हो गाइस हमारा जो आईसी है निकल ही चुका है गाइस। इस तरह आईसी निकाले और ट्रैक भी नहीं टूटता गाइस और साफ़ सुथरा रहता है। इस तरह बिल्कुल आराम नाल से आईसी निकालेंगे तो अच्छा लगता है। देख सकते हो पहले जो किसी ने बना इसको बदला है आईसी को, ट्रैक टूट गया है गाइस, तो ऐसे ना करें काम क्योंकि ट्रैक टूट जाता है सही नहीं रहता गाइस। शोल्डर लिफ्ट के द्वारा हम शोल्डर को साफ़ कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से और गंद भी ना रहे गाइस ऐसे ही बनाए। और यहाँ गाइस हम साफ़ कर लेंगे बिल्कुल ओके तरह से। तो देख सकते हो गाइस हमने जो आईसी है रिमूव कर दिया हूँ, अब इसमें नया डालेंगे। देख सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से, ये और किसी मिस्त्री ने गाइस डाला था, देख सकते हो इसका बुरा हालात है, सब ट्रैक टूटा है और एक आपा ने उखाड़े जो कि बिल्कुल सही क्वालिटी से उखाड़ा पड़ा है गाइस। देख सकते हो वीडियो बनाने का मकसद यही है गाइस कि साफ़ सुथरा काम करें, चाहे कहीं और भी जाए तो अच्छा लगे, कोई कहे ना कि यार नौसिखिए से काम करवा रखे गाइस। गाइस हमने नई आईसी को निकाल लिया, देख सकते हो कैसे डाले, अपने साइड इसको पकड़े और एक दो तीन चार पाँच, देख सकते हो पांच पिन का है गाइस, जो पांचवी पिन इसी स्पीकर की होती है, बीस तीस आईसी है गाइस। देख सकते हो एक ओरिजिनल आईसी होती है जो कि महंगी आती है गाइस, देख सकते हो। तो इसमें हम नया डालेंगे गाइस, इसको पुराने वाला ये रहा जो सड़ गया गाइस, इसमें नया डाल के ओके कर दूंगा गाइस। देख सकते हो गाइस फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल आपको रियल बात वीडियो बना रहा हूँ। चिमटी के सहारे गाइस इसको लगा लेंगे। देख सकते हो गाइस अपने आईसी दिया डाल, देख सकते हो अभी नट कसना बाकी है, फेक वीडियो नहीं गाइस क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि पिन जल्दी सही सुराग में घुसता नहीं है, इसलिए वीडियो को पुश कर दिया हूँ। अब देख सकते हो इसे फंसा दिया हूँ, अब इसका फाइनल जो है कस देंगे गाइस। देख सकते हो इसी तरह लगाया आईसी गाइस और देखे कि आपस में सटा तो नहीं, देख सकते हो सटा भी नहीं है। इस तरह गाइस साफ सुथरे काम करें, अब इसको पिन को गाइस कस देंगे फिर टका मारेंगे। देख सकते हो गाइस ये पत्ती है इसका, इसका नट है, गाइस ये स्लिप दे रखा है, स्लिप को भी लगा दे ताकि कहीं शॉर्ट का डर नहीं रहता गाइस। देख सकते हैं टाइट हाथे कसेंगे गाइस,
ये चलता है लोड पे तो आईसी गर्म होता है, ढीला ना कसे, बिल्कुल टाइट से कसे गाइस। देख सकते हो हमारा जो आईसी है कस गया। अब इसका बता गाइस, जब टाका मार देंगे तो हमारा जो सर्किट है 4.2 का यानी कि 4 स्पीकर और एक 6 इंच का बेस हमारा चालू हो जाएगा। लिख गए जब तक तो अपना टाका मार लिए, साफ सुथरे से मारना है गाइस। टाका मारते गाइस इसको साफ कर दे, क्योंकि डस्ट की वजह से कई बार आईसी जल जाता है, इसलिए गाइस इसको साफ करना जरूरी है। देख सकते हो गाइस, समझ में भी नहीं आ रहा है कि आईसी बदला हुआ नहीं बदला है, लेकिन आपके सामने इसको पुराना डाल के, सॉरी पुराना निकाल के नया डाल रखा। देख सकते हैं पुराने वाला आईसी गाइस ये रहा जो जल चुका है, पुराना डाल दिया हूँ, नया डाल दिया हूँ गाइस, बिल्कुल टनाटन हो गया है। देख सकते हो इसी तरह गाइस काम करे बूफर का, आपको चेक करा के भी दिखाता हूँ। वही सेम ऑप्शन अपनाएंगे गाइस, 5 नंबर पिन पर स्पीकर का तार लगा के फिर इसको चेक कर लेंगे गाइस, हमारा सर्किट ओके हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर हमारा ऑडियो मिल जाता है गाइस तो ये सर्किट चालू है, अगर नहीं ऑडियो मिलता है तो गाइस कोई और भी दिक्कत आ सकता है। अब हमने अर्थिंग पे एक तार जोड़ दिया गाइस, एक 5 नंबर पर तार जोड़ दिया जो कि हमारा स्पीकर के लिए होता है। गाइस आता है ना, जोड़ दिए, देख सकते हो जुड़ गया गाइस। ये तीसरी पिन वाली अर्थिंग होती है जो ट्रांसफार्मर से बन के आता है, 12012 का ट्रांसफार्मर होता है, दो फेस निकलता है गाइस, एक अर्थिंग निकलता है। देख सकते हो गाइस अब हमारा जो ऑडियो है आना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हो पहले इसमें ऑडियो नहीं आ रहा था गाइस, ये 3 नंबर पिन पे, अब सुना सकता हूँ आपका ऑडियो तो गाइस देख सकते हो। देख सकते हो गाइस टर्टर कर रहा है, यानी कि हमारा स्पीकर आईसी ख़राब था गाइस। ऐसे ही चेक करें गाइस, फर्स्ट क्लास का काम हो जाता है, ऐसे ही चेक करें, जब भी बनाना है आपको चला के भी दिखा दूंगा आप। तो गाइस ऐसे चेक करें, हमारा बिल्कुल सर्किट ओके हो चुका है, ऐसे ही आईसी बदले गाइस। काम करने का मज़ा अलग आता है तो गाइस, जब ज्ञान होता है तो गाइस। जब सही वीडियो लगे लाइक सब्सक्राइबर अवश्य करें गाइस, ताकि इससे हमारा जो मनोबल है बढ़ा रहता है और वीडियो डालने की इच्छा करता है गाइस। देख सकते हो अब हमारा सर्किट है गाइस जो ओके हो चुका है। अब हम इसका फेस जो पीछे वाले बैग से खोले थे गाइस, अब इसको लगा देंगे और फेस को भी गाइस बिल्कुल टाइट हाथ से कसे, क्योंकि बेस चलता है इसका तो नट धीरे ढीला हो जाता है गाइस, तो इसलिए मैं कहता हूँ डेट जो भी पेज खींचे तो बिल्कुल टाइट हाथ से खींचे, ढीला हाथ से ना खींचे। देख सकते हो दोनों आप अपना कितने बिल्कुल टाइट है सकते से गाइस। होता है हमारा जो बूफर है बन के टनाटन हो गया, कामयाब हो गया गाइस। ऐसे ही रिपेयरिंग करें, आईसी भी ऐसे ही बदले गाइस, एक एक करके, जैसे आपको चेक करने का तरीका बताया। कई बार क्या होता है चेक करते नहीं, कोई सा कोई सुखा रहते हैं गाइस, तो डबल मेहनत हो जाता है। इसका 5 पिन हमेशा गाइस स्पीकर का होता है, अलग अलग स्पीकर पर तार जोड़ के चेक करें। वीडियो सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। देख सकते हो हमारा बन के रेडी हो चुका है गाइस,
बता देता हूँ, ये 6 एम्पियर का डैड होता है जो कि बड़ी अच्छा क्वालिटी का होता है गाइस, जल्दी ख़राब नहीं होता। किसी भी बुफर में अगर बार बार डैड उड़ता है तो गाइस ये 6 एम्पियर का डैड ठोक दे तो हमारा जो डैड उड़ने का समस्या होता है वो दूर हो जाता है गाइस बिल्कुल, देख सकते हो।